नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अपडेट में दोस्तों आज मैं आपको सुब्रोस लिमिटेड नोएडा की जो कंपनी है इसमें जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपको इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे कि आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहे तो इसका जो बात करते हैं आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो होगा आपका सत्ताईस सात दो हज़ार बीस को इसका आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और इसका जो अगर बात करें हम सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपका सत्ताईस सात दो हज़ार बीस को सुबह ग्यारह बजे होगा और सेकेंड जो प्रोसेस है वो एच आर एंड टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है इसमें आपका और आपका इंटरव्यू जो जो हो होगा वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और इसमें जो उन्हीं कैंडिडेट का ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो ऑनलाइन टेस्ट में पास हो पास जो ऑनलाइन टेस्ट में जो ऑनलाइन टेस्ट को पास करेंगे उन्हीं का यहाँ पे जो है टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल है तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन आर में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और इसमें जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है वो एक कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है सुब्रोस कंपनी में और इसकी जो लोकेशन है वो नोएडा के अंदर आपको जॉब मिलने वाली है और ये जो जॉब है आपकी इसमें आपको परमानेंट जॉब मिलेगी और आप अगर इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो आपकी जो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सुब्रोस डॉट कॉम इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इस कंपनी के बारे में आप पूरी डिटेल्स से जान सकते हो और और आगे बात करते हैं इसमें आपके तो यहाँ पे जो कौन कौन आवेदन कर सकता है तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा दो और दो में पास किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और यहाँ पर ओनली बॉयज़ कैंडिडेट बॉयज़ कैंडिडेट जो है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए जो है फ़ीमेल या गर्ल्स जो है उसके लिए आवेदन नहीं कर सकती है इसके लिए जो अगर बात करें आपकी टेंथ में जो है साठ परसेंट से ज़्यादा होने चाहिए और डिप्लोमा की जो तीनों साल की जो एग्रीगेट परसेंटेज है आपकी वो भी साठ परसेंट से ज़्यादा होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो अट्ठारह से लेकर पच्चीस साल तक इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए और जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के समय जो है आपका कोई भी एक्टिव या कोई भी बैक पेपर नहीं होना चाहिए यानी कि आप ऑल क्लियर होने चाहिए आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलेगी वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जो है यहाँ पे आपको पोस्ट मिलने वाली है तो यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलेगी अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी कि यहाँ पे आपकी जो जॉब होने वाली हो एक साल के लिए यहाँ पे आपकी जॉब होने वाली है क्योंकि अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होती है वो एक साल के लिए ही होती है या फिर अगर कोई कंपनी दो साल की भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाती है तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल के लिए करवाएगी इसके लिए जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको वो दस हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी प्लस आठ सौ रुपये यहाँ पर आपको अटेंडेंस के दिए जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी दस हज़ार आठ सौ रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है उसके बाद बात करेंगे इसमें कौन कौन से स्टेट के आवेद आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से राजस्थान के वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर ये यह जो वैकेंसी है ओनली राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है तो जो भी विद्यार्थी इसमें राजस्थान के हैं वो जो इस कैंपस के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर अगर मैं तो यूँ बोलूँगा अगर आप किसी और स्टेट से ही बिलोंग करते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो है बल्क में रिक्रूटमेंट चाहिए इनको एक 150 कैंडिडेट की इनको रिक्वायरमेंट है तो अगर राजस्थान के स्टूडेंट को नहीं भी मिलती है तो भी ये अदर स्टेट के वो भी ले सकते हैं ये इनकी पॉसिबिलिटी होगी तो आप जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आपको इसको फॉर्म को भरना है तो चलिए अब मैं जो मैं जो आपको इसको ऑनलाइन कैसे आवेदन करना वो आपको इस फॉर्म को भर के बताता हूँ तो आपको क्या करना है जो मैं यहाँ पे जो आपको ये जो इसका ऑनलाइन फॉर्म है इसकी जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लिंक है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर नीचे आना है नीचे आने के बाद जो है आपको क्या करना है सबसे पहले अपना ई एड्रेस डालना है ई एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको नेक्स्ट पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये जो आपका पूरा फॉर्म है सात स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है वन बाय वन करके एक एक करके आपको सात स्टेप कंप्लीट करते हुए जाना है जिसमें कि आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जो है बढ़ते जानी है जैसे टेंथ की परसेंटेज होगी आपने टेंथ कौन से बोर्ड से किया है कौन से स्कूल से किया है ऐसे डिप्लोमा की परसेंटेज होगी कौन से कॉलेज से किया है और आपका एड्रेस क्या है मोबाइल नंबर ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है आपको इस फॉर्म को भरते हुए जाना है और आप जिससे कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों ये जो ऑनलाइन फॉर्म है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फॉर्म को भरने में अगर आपको इस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही जो है जॉब अपडेट लेके आता हूँ टेक्निकल जॉब हो चाहे आईटीआई के लिए हो चाहे डिप्लोमा के लिए हो चाहे बीटेक के लिए हो मैं सभी के लिए जो है टेक्निकल जो भी जॉब जोग निकलती हो मैं आपको जॉब की अपडेट इसी चैनल पर देता हूँ और मैं हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है वो हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिक होती है रियल होती है कोई फ़ेक न्यूज़ फ़ेक जॉब के बारे में इस चैनल पर नहीं बताया जाता है तो अगर फिर फिर भी अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड या इस कंपनी से रिलेटेड रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में जो इस डाउट को पूछ सकते हो धन्यवाद